तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 34 पहुंच गई है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जिले के कलेक्टर MS प्रशांत ने मामले की पुष्टि की है। सभी पीड़ितों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। CM ने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। जहरीली शराब कांड में पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले के कन्नुकुट्टी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से जब्त की गई करीब 200 लीटर अवैध शराब की जांच में सामने आया कि उसमें घातक मेथनॉल मौजूद था। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मौतों पर दुख जताया और कहा कि इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने CBCID जांच का भी ऐलान किया है। स्टालिन ने एक्स में एक पोस्ट पर लिखा कि कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने वाले लोगों की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुखी हूं। मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता ऐसे अपराधों में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ जानकारी देती है तो तत्काल कार्रवाई होगी। समाज को बर्बाद करने वाले ऐसे अपराधों को सख्ती से दबाया जाएगा। साथ ही तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने इन मौतों पर शोक व्यक्त किया है। पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है।